रहना चाहिए, ये सिर्फ वहम है। लेकिन प्राइस के बारे में जरा सा आपसे कहूंगा कि जो दो इंडियन वैक्सीन है, एक कोविशील्ड के नाम से है, एक कोवैक्सीन के नाम से है। कोविशील्ड 200 रुपए में बिक रही है और जो कोवैक्सीन है वो 295 रुपए में बिक रही है, यानी कि ये 300 रुपए से कम प्राइस है। और जहां तक मुझे इल्म हुआ है, पाकिस्तान में इससे 10 गुना या 50 गुना प्राइस लेने का पाकिस्तान इंडिया में 200 रुपए और 295। कैसे हो आप लोग, हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान के साइंटिस्ट अताउर रहमान, जो कि पाकिस्तान में अभी तक तो शायद अभी की सिचुएशन में सबसे बड़े साइंटिस्ट है माने जाते हैं, उन्होंने भारतीय वैक्सीन की है तारीफ, भारत के वैक्सीन के रेट की भी उन्होंने की है तारीफ। पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर करेंगे उनके इस जो इन्होंने वीडियो में बात करी उसके बारे में बात आपसे रहेगी। रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करिएगा। ये सब माहौल है कोविड के मामले में, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है। लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। ये सवाल ना आता साहब, जरे हमने नाकाम का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करी, वो बहुत कह रहे हैं, लेकिन हम शायद कोशिशों में हैं। तो डॉक्टर साहब, वहां से क्या रिजल्ट्स हैं? जरे पाकिस्तान में काफी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे, अब किस स्टेज पर हैं हम? और जब हम वैक्सीन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता है यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, यानी कि बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासिटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते। आप टैबलेटिंग और पैकेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी बेसिक मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए आपको अगर वैक्सीन जो है, आप एनिमल वैक्सीन का तो जरूर बनाते हैं कुछ, पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन जो है ज्यादातर आप सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो जो है सब्सिडाइज कॉस्ट पे इंपोर्ट होती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि जो आपने प्राइस की बात करी, तो इंडियन वैक्सीन, जो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है। इंडियन प्राइस ये उन्होंने ऐलान किया है राजेश भूषण ने, जो उनके सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के। 200 और 300 इंडियन रुपीज, जो कि समझे 400 से 600 रुपए पाकिस्तानी के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी, और इस पर हमें खास नजर रखनी है। That's why I'm asking to Dr. साहब कि हमें इसके प्राइस के ऊपर अभी से सोच विचार करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2000-3000 के एक वैक्सीन जो है वो, जबकि एक हुकूमत तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करी, लेकिन जाहिर जब प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं ना कहीं तो उसमें बचत और सारी चीजों को मलूजे खातिर रखेगा। डॉक्टर साहब, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्राइस कोड? वैसे ही मैं बात करूं, 1200 तक तो मैंने सुना है, लेकिन इसके अलावा आपके आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? ये डिफिकल्ट है कहना कि क्या प्राइसेस मंजूर होती है और मार्केट में किस प्राइस में आती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कंपेटिटिव रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में बिक रही है, बांग्लादेश में किस प्राइसेस में बिक रही है, श्रीलंका में किस प्राइसेस में बिक रही है, और पाकिस्तान में किस प्राइस में ना हो कि यहाँ 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से बीच में लोग जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करें और आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की थी कि हम बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं बना रहे, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसी पर आगे भी बात करनी है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है तौकीर अल हक साहब को आज अहमियत देने का मामला ही यही है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ज़ाहिर है बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मजीद इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की गुंजाइश मौजूद है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा कि हम कम से कम इस सतह तक जरूर आ जाएं कि इस नौयत की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। वक्त कम है इसलिए सबसे पहले जरा जाते हैं तौकीर साहब, बात यहां तक आ गई है कि जरा अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें बात में तकरार आ जाएगी, लेकिन प्राइस बहरहाल एक कंसर्न है हमारा, इस मामले को कैसे आप देखेंगे और कैसे कैचअप कर पाएंगे? मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस आइसोलेशन में कंपनीज नहीं होंगी, इस पे चूंकि ड्रैप साथ है और साथ जो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी देखेगी कि वो उनकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसी डेडली डिजीज है, इसमें प्रॉफिट इज नॉट द ओनली थिंग। यस कॉस्ट होगी इसकी सर्टनली होगी, लेकिन ट्रैप भी हमें हमारे साथ है और हम मिलकर इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि इसकी प्राइस ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे वो मुस्तफीद हो सकें। तो वो इस पर अभी काम हो रहा है। मैं जैसे आपको पहले ही बात कर रहा हूँ ना कि इस प्राइस के साथ साथ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम गवर्नमेंट के साथ हम अपनी सपोर्ट ये दे सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है। देखिए माइनस जैसे ये जो रशियन आ रही है माइनस 18 डिग्री इसको मेंटेन करना है, यकीनन गवर्नमेंट ने भी इंतजाम किया है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है, तो हम अपना रोल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वी कैन यू नो हेल्प देम आइडेंटिफाइंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ना सिर्फ इसकी को मेंटेन रखें इसकी एफिकेसी को बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर जो माइनस 80 या जो भी है जिस भी उसका, और प्लस ये कि इसकी पूरे पाकिस्तान में हमारा एक्सेस है। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे हिसाब से, तीन चीज़ें। नंबर वन, जल्द अज जल्द फैसला हो जो कि अभी ड्रैप कर रही है और तीन कंपनीज को ऑलरेडी हो गया है। सेकेंडली जो कंसर्न है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज में ये लगना शुरू हो गई है, जो भी इसको जल्द अज जल्द मंगाया जाए जिसपे गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग इस इम्पोर्ट करें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो जो लोग जिन्होंने लगाना है उनकी ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट कर रही है। लोगों में कि लगा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, तो इससे बेहतर है ना ही लगाएं। इसकी थोड़ी क्लियरेंस बताएंगे आप हमें, ये कितनी जरूरी है कि जब ये वैक्सीन आए तो आप इसको लगाएं जरूर? उसमें काफी तारीफें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। ये उन पाकिस्तानियों की तरह नहीं है जैसे कि भारत का जो चंद्रयान मिशन जो लास्ट मिशन किया था भारत ने, जो इसरो ने किया था, वो थोड़े मार्जिन से रह गया था, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग ऐसी खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। मतलब रात को जो 1:30 या 2 बजे मिशन आपने देखा होगा लाइव चल रहा था, तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसको लेकर उसी टाइम ट्वीट करने लगे। मतलब इतने बैग है, मतलब वो मुझे बेवकूफ़ लोग हैं, इतने क्या जाहिल लोग हैं कि भारत का मजाक उड़ा रहे थे, इनसे खुद तो कुछ होता नहीं, उसी तरीके की बातें कर रहे थे। फवाद चौधरी का शायद वो ट्वीट था और वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तो दोस्तों पाकिस्तान के साइंटिस्ट अताउर रहमान ने उस समय भी भारत के वैज्ञानिकों की काफ़ी तारीफ की थी और अच्छी बातें की थी, और आज भी ये भारत ने जो वैक्सीन डेवलप की है आपने देखा भारत की वैक्सीन का उन्होंने प्राइस भी बताया, और पाकिस्तान अभी जो विदेश से वैक्सीन खरीद रहा है जैसे रशिया की वैक्सीन ले रहा है, तो रशिया की वैक्सीन भी ले देकर उसमें मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। मतलब आपको पता है वो मैन्युफैक्चर तो हैदराबाद में हो रही है, उसके 10 मिलियन डोजेस के मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर ऑलरेडी हैदराबाद में आ चुका है, इंडिया में आ चुका है, तो वो भी भारत से ही बनकर जाएगी। पाकिस्तान अगर खरीदता है तो भारत से ही बन के जाएगी, अब थ्रू रसिया जाएगी या कहीं से भी जाएगी, अभी इसका तो मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान के पास अताउर रहमान ने बताया कि सस्ता ऑप्शन इंडिया है, अगर इंडिया की वैक्सीन लेगा तो पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन इमरान खान नहीं होने देंगे। आपको पता है इमरान खान का एक एटीट्यूड है, स्वैग है, घमंड है, जो भी बोल लो है उनके अंदर है। वो दिन भर इंडिया को ट्विटर में वो टीटू सुल्तान बने बैठे हैं। आपको पता है टीटू सुल्तान बने बैठे हैं, बस उनकी बातें सुन लो आप, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, अर्णब गोस्वामी को लेकर, इन सब घटिया चीज़ों को लेकर ट्वीट करते हैं वो। तो वो कहाँ उनको टाइम है भैया वैक्सीन का, वो सोच रहे हैं कोई कोरोना वरोना नहीं है, मरने दो, जितने लोग मरते हैं आ जाएगी रशियन वैक्सीन, आ जाएगी अमेरिकन वैक्सीन, आ जाएगी जो भी वैक्सीन आ जाएगी, फौज वालों को लग जाएगी, बड़े बड़े लोगों को लग जाएगी, गरीब आदमी क्या है।
जी रहा है अपनी इम्यूनिटी पर। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में और कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आपको बता दें, भारत की वैक्सीन ऑलरेडी दुनिया में धमाल मचा रही है। ये एज अ इंडियन वी शुड प्राउड, हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। भारत बहुत सारे देशों में वैक्सीन प्रोवाइड कर चुका है, अपने जो आस पड़ोस के देश हैं केवल पाकिस्तान को छोड़कर उन्हें दे चुका है, अफ्रीकन कंट्री में दे चुका है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने जो मतलब वैक्सीन प्राप्त करने के बाद जो रिएक्शन दिया था वो काफ़ी पॉजिटिव था। मतलब उन्होंने हनुमान जी की फ़ोटो शेयर की थी जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। तो मतलब उन्होंने एज कंपैरिजन हनुमान जी का किया था कि भारत ने संजीवनी बूटी दी है ब्राज़ील को एज अ संजीवनी बूटी, मतलब समझ रहे हो आप, जो कोरोना वैक्सीन थी उसे संजीवनी बूटी कहकर पुकारा था। तो बड़े बड़ा अच्छा लगा था। और भारत की वैक्सीन शायद अब अरब देशों में भी जाएगी और बहुत सारे देशों में जाएगी, तो अच्छी बात है इसका, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कोल्ड स्टोरेज चार्ज बहुत कम है। तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, WHO का भी ट्वीट आया था। तो अच्छा है, वैक्सीन सक्सेसफुल हो, दुनिया नॉर्मल हो, फिर से पहले जैसी लाइफ जिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।